it's my heartfelt welcome to Mr. Sanjeev Rai and his colleagues, and also BRO, Bishnupur Assembly Constituency, and the representative who have visited here, taking all the pain from Imphal to have a very good result for this election. With these few words, once again, I will extend all my support and sincere, support to my president. He is president for the last so many years. I don't know. I cannot count how many years he is president. So because of his experience, without any oppose, he has elected all the delegates, whether in the block level or district level, he has made it elected. So I once again thank my president, and we will work tirelessly to keep India united, and our objective of keeping this nation together will always remain with us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी. आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मंच में उपस्थित सब कांग्रेस कार्यकर्ता, बुजुर्ग भाई बहनों, चुनाव के माध्यम से राहुल जी और सोनिया जी ने एक चेष्टा लिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को संगठित करके एक परिवार के रूप में हम लोग आगे बढ़े. और जैसे कि हमारे विधायक जी ने कहा कि पूरे देश को एक तोड़ने की साजिश हो रही है, उस साजिश को हम लोग रोक पाए. और सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए 2014 में जो चुनाव हुआ, या 2016 में मणिपुर में हुआ, इसमें क्या हुआ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था. पूरे देश में ऐसे दिखाया गया कि मतलब पूरा सपने की दुनिया में हम लोग आ रहे हैं. अगर मोदी जी चुनाव जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएगा. जो यूथ है, जो युवा है, उनको सपना दिखाया गया कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे उनको. तो युवा समझ बैठे कि अगर मोदी जी आते तो मुझे नौकरी मिलेगा, जो बेकार थे वो संजय के मुझे, अगर मोदी जी आते हैं तो 15 लाख मुझे अकाउंट में आएगा. ऐसे बहुत बड़े बड़े वादे आए, महंगाई को कमाया जाएगा, गैस का दाम कमाया जाएगा, पेट्रोल की कीमत में कमती आएगी. अभी 3 साल में, सिर्फ 3 साल में पूरा देश को पता चल गया कि वो पूरा धोखा था. आज जो हकीकत है कि मोदी सरकार का जो मंत्रालय है, उनका जो रिपोर्ट है, पिछले 3 साल में सिर्फ 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है, जबकि 6 करोड़ को मिलना चाहिए था. जो डिमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी किया था उन्होंने, आपको हैरत होगी सुन के कि 22,000 करोड़ खर्च किया गया और 16,000 करोड़ वापस आया. ऐसी चतुराई दुनिया में कहीं नहीं देखी गई. और आज के युग में भारतवर्ष पे लोग हंस रहे हैं नोटबंदी के कारण. पहले मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद खत्म होगा, कश्मीर में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है. उन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा. आरबीआई का रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, 99% डिमोनेटाइज मनी वापस बैंक पे आ चुका है. तो काला धन कहां था? वो कहते थे कि नकली नोट बंद हो जाएंगे. जब यहां पे हम लोग कतार में खड़े होकर एटीएम में 2,000 रुपया निकाल रहे थे, तभी कश्मीर में उग्रवादी के हाथ में नकली नोट मिले थे हम लोग. तो सबसे बड़ी बात, उनका जितना दावा था नोटबंदी को लेके, हर एक दावा झूठ निकला. आज 22,000 करोड़ खर्च करके 16,000 करोड़ बैंक में आया है. युवाओं को सोचना चाहिए कि जो सरकार कहती है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देगी, जॉब देगी, आज 3 साल में 4.5 लाख से जॉब दे चुकी है. बड़े बड़े वादे जो करते थे मोदी जी, हम लोग मीडिया में देखते थे. आज की जो सरकार है, मणिपुर सरकार बोलिए, केंद्र सरकार, वो मीडिया की सरकार है. क्योंकि देखिए, पिछले चुनाव में गुजरात में पंचायत चुनाव हुआ, वहां मोदी जी का जहां घर है, वहां पे कांग्रेस की जीत हुई. वहां का चारों जिला परिषद कांग्रेस जीता. महाराष्ट्र में 2 कॉरपोरेशन का उपचुनाव हुआ, बहुत बड़े मात्रा में कांग्रेस ने जीता था, हालांकि वहां पे बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है. तो कांग्रेस जहां जीतती है मीडिया नहीं दिखाती, और अगर बीजेपी एक जीतती है उसको मीडिया बहुत सुंदर से दिखाती है.
आज जो देश की रुख है, पिछले महीने चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी का घर पे म्यूनिसिपालिटी कांग्रेस जीता, ये क्या बताता है? मोदी जी के घर में अगर कांग्रेस जीतता है, शिवराज सिंह चौहान जी के घर में कांग्रेस जीतता है, ये बताता है कि लोग कांग्रेस की उधर मुड़ चुके हैं। सबको पता है कि बीजेपी को हटा के अगर देश में कोई आ सकता है, शांति चैन अमन ला सकता है, तो कांग्रेस है। पहले लोग करते थे, हम लोगों को बताना था आसाम डिस्टर्ब है तो मणिपुर डिस्टर्ब है, आज कौन सा स्टेट डिस्टर्ब नहीं है आप बताइए। यूपी का हाल देखिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हरियाणा में जो हाल हो रहा है देखिए, पूरा देश अशांत हो गया है, लोग मार रहे हैं, कई शांति नहीं है। आज यूपी में सर ने कहा बच्चों की बात, यूपी में एम्बुलेंस बनाया जा रहा है गायों के लिए, काओ के लिए, उसमें ऑक्सीजन रखा जाता है और 100-100 बच्चे मरते हैं जहां जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, और उनके स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं बच्चे तो ऐसे आगे भी मरते थे। ये आज की सरकार की रवैया है। मुख्यमंत्री का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, आदित्यनाथ जी का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोरखपुर, वहां ऐसा हाल है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, आप लोग कहीं भी गूगल में सर्च कीजिए, जो क्राइम है यूपी में 10 गुना बढ़ चुका है। कल हमारे असम का क्राइम इन्वॉल्वमेंट का रिकॉर्ड निकला, उसमें पिछले 10 साल में जितने क्राइम हुए थे, लास्ट एक साल में उतना क्राइम हुआ असम में। बस बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और आज भी उसी वादे पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है, असम में भी पंचायत चुनाव है, आप लोग देखिएगा। मैं यहाँ दायित्व लेके कहता हूँ कि असम में जनवरी में जो पंचायत चुनाव होगा,